इस चैप्टर को लिखा है ऑलफॉन्स डॉडेट ने तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ऑल्फोंस डॉडेट ओपी कर दीजिए इस चैप्टर को फ्रैंको प्रशियन वॉर के बैकग्राउंड में सेट किया हुआ है जहां पे फ्रांस जो है वो हार जाता है इसीलिए चैप्टर कहीं ना कहीं ह्यूमन पेडिकमेंट के बारे में बात करता है जो वॉर लेकर आता है जब लड़ाइयाँ होती हैं वॉर होती हैं तो ह्यूमैनिटी हार जाती है बहुत बार जीतने वाली कंट्री अपने कल्चर अपने लैंग्वेज को दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करती है ऐसा ही कुछ इस चैप्टर के अंदर है इस चैप्टर के अंदर जो जीतने वाले कंट्री हैं जो प्राशियंस हैं उन्होंने क्या किया अपनी लैंग्वेज को जो कि उन्हें लगता है कि उनकी लैंग्वेज के लिए उनका प्यार है थोप दिया है फ्रांस में रहने वाले लोगों पर यह चैप्टर डील करता है लाइन डिफरेंस में कि किस तरीके से एक तरफ लव फॉर लैंग्वेज है और दूसरी तरफ एक तरफ हम लैंग्वेज से खूब प्यार करते हैं और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ कभी कभी हम अपने प्यार के चलते अपनी लैंग्वेज को दूसरों पर थोपने लगते हैं इसे लिंग्विस्टिक शॉबनिज्म या लैंग्वेज का डोमिनेंस भी कहा जाता है लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी होती है और हमें इसे लूज नहीं करना चाहिए इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारे नरेटर हमारे प्रोटैगनिस्ट फ्रांस जो कि छोटा सा स्कूल गोइंग बच्चा है वो हमें बताता है नरेट करता है उस दिन को जिस दिन उसका आखिरी फ्रेंच लेसन था तो चैप्टर की शुरुआत कैसे होने वाली है चलिए देख लेते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमारा छोटा सा प्यारा सा फ्रांस बोलता है आय क्योंकि वो नरेटर है तो वो आय करके ये पूरा स्टोरी हमें समझाने वाला है सुनाने वाला है आई started फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग बोला कि मैं उस दिन स्कूल को काफी लेट शुरू किया था स्कूल के लिए काफी लेट हो गया था स्कूल के लिए काफी लेट निकला था एंड वॉज ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग और मुझे बहुत डर लग रहा था ड्रेड का मतलब होता है डरना स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट मुझे बहुत डर लग रहा था डांट से स्पेशली बिकॉज एम हेम एल एम एल हमारे छोटे से प्यारे से फ्रांस के टीचर हैं फ्रेंच टीचर हैं तो बोला स्पेशली मुझे डर इसके लिए लग रहा था क्योंकि एम हेम एल ने बोला था कि वो हमें क्वेश्चन करने वाले हैं हमसे सवाल पूछने वाले हैं एक ओरल टेस्ट लेने वाले हैं पार्टिसिपल्स पे अस ऑन पार्टिसिपल्स एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम एक तो हमारा फ्रेंस जो है अपने घर से लेट निकला है और स्कूल के लिए लेट हो चुका है वहां पे तो उसे बहुत डर लगी रहा है उसके ऊपर से अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आज स्कूल के अंदर जो टेस्ट होने वाला है उसका फ्रेंच पार्टिसिपल्स पे उसका उसे एक शब्द भी नहीं आता अब ऐसे में उसका रिएक्शन क्या है उसे ऐसा लगता है कि अरे छडो यार क्यों मैं स्कूल जाऊं इससे तो बढ़िया है कि मैं घूमने चला जाता ना मैं घर जाऊंगा ना मैं स्कूल जाऊंगा मैं बंक कर लेता हूं फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एक मिनट के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं भाग जाऊं स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स क्यों ना अपना दिन बाहर बिताऊं? बिताऊंट सो वार्म सो ब्राइट जब ठंडे देशों के अंदर सूरज निकलता है तो खुश हो जाता है तो बोलता है इतना वार्म इतना ब्राइट दिन था द वर चॉपिंग और बर्ड्स ची ची कर रहे थे एट द एज ऑफ द वुड्स सारे बर्ड जो है वो ट्री पर बैठे हुए थे ची 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 कर रहे थे एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द द प्रशियन सोल्जर्स यहाँ पे बर्ड्स तो अपना ची कर ही रहे थे बट इसके साथ साथ में ओपन फील्ड में खुले मैदान के अंदर एट द बैक ऑफ द सॉमिल मिल एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां पर आप वुड को कट करते हो तो ये जो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री के बैक में जो खुला एरिया था वहां पे प्रशियन सोल्जर्स जो है प्रशियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे ड्रिल कर रहे थे एक दो एक दो दे वर एक्सरसाइजिंग वो एक्सरसाइज कर रहे थे प्रशियन सोल्जर्स यहां पर क्यों थे क्योंकि प्रशिया फ्रांस को जीत चुका था जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया अपनी जीत इन लोगों के ऊपर जताने के लिए इन लोगों के साथ ही ये लोग रहा करते थे ताकि इन्हें बार बार रिमाइंड किया जाए कि ये देश इनका है सो so, सॉमिल का मतलब होता है एक फैक्ट्री वुड को काटने के लिए और ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज करना इट वाज ऑल मच मोर टेम्पिंग जब पढ़ाई नहीं करनी होती है ना हर चीज टेम्पटिंग लगती है तो ये सब कुछ कितना टेम्पटिंग था कितना खूबसूरत था कितना अट्रैक्टिंग था कितना मुझे लुभा रहा था देन द रूल ऑफ पार्टी फॉर पार्टिसिपल्स बोला अरे यार ये रूल्स जो हैं ये जो पढ़ाइयाँ ये ग्रामर जो है इन सारी चीज़ों से ये सब कुछ कितना अच्छा है यार आखिरकार मौसम कितना बढ़िया था बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल पर हमारा छोटू सा फ्रेंड्स पिघला नहीं एकदम सख्त रहा बोलता है नहीं पर मेरे अंदर ताकत थी मेरे अंदर ताकत थी रिजिस्ट करने की मना करने की दूर करने की एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और मैं स्कूल के तरफ भागा तो वो स्कूल की तरफ भागा When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जैसे स्कूल की तरफ वो भाग रहा था तो ऐसा नहीं होता कि टाउन के अंदर एक बरगद का पेड़ होता है जहां पे सारी भूतों की कहानियां फ्रेम की जाती है रात के अंदर चुड़ैले वहां पर आ जाती हैं, और सुबह के अंदर सारे के सारे लोग गांव के वही बैठ जाते हैं और मस्त पंचायत करते हैं Exactly ऐसा ही यहाँ पर भी था बट बरगद के पेड़ की जगह यहाँ पर एक टाउन हॉल बनाया हुआ था जहां पर एक नोटिस बोर्ड जैसा बोर्ड लगा दिया गया था अब उस बोर्ड पर क्या होता था जितने भी कम्युनिकेशन होते थे जो प्रशियन सोल्जर्स तक या फिर एक्वायर्ड टेरिटरी तक पहुंचाने होते थे वो आकर चिपका दिए जाते थे अब वहां पर सारे गांव के लोग इंक्लूडिंग प्रशियन सोल्जर्स उन्हें पढ़ सकते ये जो बुलेटिन बोर्ड था ना ये कतई मनूस था यार बहुत ही मनूस था फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर पिछले दो साल से सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी सारी बुरी खबरें आप देख लो बैटल्स अगर हम हार जाते थे वहां से बुरी खबर आती थी कोई ड्राफ्ट आता था कोई ऑर्डर आता था कमांडिंग ऑफिसर्स के लिए रशियन सोल्जर्स के लिए वहां रह रहे ऑफिसर्स के लिए सब कुछ उस बुलेटिन बोर्ड पे आता था इतना मनुष्य था वो बुलेटिन बोर्ड एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग अब रुक तो नहीं सकते थे तो चलते चलते सोचता है कहता है यार आज क्या क्लेश हो गया कहते तो आज क्या हुआ वट कैन बी द मैटर नाउ अब क्या हो गया आज क्या न्यूज छपी है आज क्या बताना चाहते हैं ये लोग हमें एज आई एज आई और जैसे मैं स्कूल की तरफ भागे जा रहा था जितना मुझसे जल्दी भागा गया द ब्लैक स्मिथ वॉचर जो लोहार था जिसका नाम था वॉचर हु वॉज देयर जो वहीं पर था विथ हिज एप्रिंटिस अपने छोटू के साथ में एप्रिंटिस कौन होता है ट्रेनिंग एक ऐसा इंसान जो अपने मास्टर वर्कर को आ, या जो मास्टर होता है उसे देखता है आ, फील्ड पे जाता है उसके साथ काम सीखता है और काम सीखकर वो फिर काम करता है तो उसे हम अप्रेंटिस कहते हैं तो वहां पर ब्लैक स्मिथ और उनका छोटू वहां पर प्रेजेंट था रीडिंग द बुलेटिन और उन्होंने बुलेटिन पढ़ लिया था कॉल्ड आफ्टर मी उन्होंने पुकारा डोंट गो सो फास्ट बब यू गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम इतना जल्दी मत जाओ तुम अपने अपने स्कूल काफी समय के अंदर पहुंच जाओगे बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि इतनी भी क्या जल्दी है अभी तो तुम्हारे पास खूब समय है अब जैसे ही यहां पर वॉचर की ये बात हमारे प्यारे छोटे से फ्रेंड्स ने सुनी तो उसने बोला आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी मुझे ऐसा लग रहा था ये मजाक कर रहे हैं चचा स्कूल का टाइम हो चुका है मैं ऑलरेडी लेट हूँ आज मेरी पिटाई होने वाली है और आप कह रहे हो धीरे-धीरे जाओ क्या चल रहा है ये अच्छा बाय द वे बब इज अ वे टू कॉल अ लव्ड वन ओके एंड रीच्ड एमएमएलस लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ ये सोच रहा था मैं कि मेरा मजाक उड़ा रहा है ये और ये सोचते-सोचते हफ्ते-हफ्ते एमएमएल के गार्डन के अंदर मैं पहुंच गया बेसिकली अपने स्कूल पहुंच गया तो हफ्ते-हफ्ते पैंट करते करते वो अपने स्कूल फाइनली पहुंच गया था यूजली वन स्कूल शुरू होता था तो काफी शोरगुल रहा करता था आउट इन स्ट्रीट इतना शोर होता था जो कि बाहर स्ट्रीट तक सुनाई देता था अब ये शोर कैसे होता था अरे कभी कभी लोग अपनी डेस्क को ओपन या क्लोज किया करते थे कभी सारे लोग मिलकर एक साथ एक ही राग के अंदर लेसन को रिपीट करते थे वेरी अलाउड जोर से विद आर हैंड्स ओवर आई टू अंडरस्टैंड बेटर कभी कभी लेसन को यूनाइजन यानी कि एक साथ रिपीट किया जाता था सब लोग अपने कान में उंगली डाल लिया करते थे और जोर जोर से लेसन को रिपीट करते थे ताकि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो और वो ज्यादा अच्छे से समझ सके अब ऐसे में द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और सुनाई देते थे टीचर्स का रूलर को रैप करना टेबल पे हे यू इज दिस अ फिश मार्केट ये कोई मच्छी बाजार है क्या होलेगन्स So, इसी तरीके से टीचर्स कहीं ना कहीं छड़ियां मारते थे बच्चों को रोकते थे डांटते थे शोर को कम करने के लिए कहते थे और बस यूं ही तो स्कूल की स्टार्टिंग हुआ करती थी इसी तरीके से तो इतना शोर होता था कि बाहर तक स्कूल से आवाज सुनाई देती थी बट ना इट स्टिल आज जी इतना चुप था स्कूल इतना शांत था I had had counted on the commotion to get to to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as a Sunday morning. एक बार भगवान जी, सिर्फ एक बार मैंने ये सोचा कि इतना शोरगुल होता है तो इस शोरगुल के अंदर मैं चुपचाप चाप जाऊंगा और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा और किसी को क्या ही पता चलेगा बस एक दिन की बात थी और उसी दिन इतनी शांति होनी थी स्कूल के अंदर नहीं आप मेरे को क्या क्यों नहीं देते हो कि मेरे जिंदगी के साथ खेला जा रहा है पे को कुछ ऐसा ही लग रहा था उसने यहां पर क्या किया था He had counted on. Counted on का मतलब होता है भरोसा करना उसने कमोशन यानी कि शोरगुल पे भरोसा किया था ताकि वो बिना नजरों में आए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए पर उस दिन सारी चीजें इतनी शांति पूरा स्कूल इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस लाइन के अंदर कौन सी लिटरी डिवाइस प्रेजेंट है ये जो फ्रेज है इस फ्रेज के अंदर कौन सा लिटरी डिवाइस प्रेजेंट है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ठीक है तो अभी यहां पर ये देखो बस अब तो कुछ नहीं कोई नहीं बचा सकता फैंस को through the window I saw my classmates already in their places and M M L walking up and down with his terrible iron ruler under his arms अब क्या already उसे डर लग रहा था उसने विंडो से देखा दोस्त भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे इंसान पनिशमेंट भी ले ले दोस्तों के साथ तो पर जब दोस्त खुद बैठे हुए हो और उन्हें पनिशमेंट नहीं मिल रही हो तो पनिशमेंट भी अच्छी नहीं लगती वो देखता है कि मेरे दोस्त मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी सीटों पर बैठे हुए हैं और एम एम एल अपना टेरेबल रूलर लेकर बस चले जा रहे हैं वो चले जा रहे हैं आज तो फ्रांस को कोई ताकत नहीं बचा सकती दुनिया की आज तो ये पिटकर ही मानेगा आई गो इन बिफोर एवरीबॉडी और ऐसे में फ्रांस को दरवाजा खोलना था और दरवाजा खोल के सबके सामने एंटर होना था बाकी सारी शर्म एक तरफ और सबके सामने भरी क्लास के अंदर दरवाजा खोल के और खास करके अगर वो दरवाजा खतरनाक साउंड निकालता हो तो फिर ओहो वो दरवाजा खोल के सबके सामने से गुजर के अपनी सीट तक बैठने की शर्म एक तरफ यहां पर बस ऐसा ही हो रहा था वो एकदम से एकदम से दरवाजा खोल के उसे अंदर जाना था यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड। अब आपको पता चल गया होगा कि कितनी शर्म उसे आई होगी एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज एक तरफ तो शर्म आ रही थी और दूसरी तरफ डर लग रहा था कि पीछे से रूलर आएगा पटैक हा बट नथिंग हैपेंड वो जितना डर रहा था ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ एमएमएल सौमी एंड सेड वेरी काइंडली एमएमएल ने उन्हें देखा और देखकर बड़े ही प्यार से दया के साथ बोला गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स वी वर बिगनिंग विदाउट यू जाओ प्यारे फ्रेंड्स जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे लिटिल फ्रेंड ये क्या हो गया आप मेरी पिटाई करते हो आप गालियां देते हो मुझे और आप मुझे आज प्यारा फ्रेंड्स कह रहे हो छोटा फ्रेंड्स प्यारा फ्रेंड्स क्या हो गया इनको एमएमएल को क्या हो गया आज कोई मेरा आखिरी दिन तो नहीं है मैं मरने मरने तो नहीं वाला हूं ये क्या चल रहा है फ्रेंड्स यहां पर काफी सरप्राइज साउंड कर रहा है नहीं आई जंपड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क अब ऐसे में इसको तो खुशी हो गई उसने क्या किया फटाफट से अपनी बेंच को के ऊपर गया और जाकर वहां पर बैठ गया Not till then when I had got a little over my fright, it was not Dara who raste se lekar yatak, kyuse dar se bahar me bhi kafi did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, and that he never wore except on inspection and prize days. Wo अभी बैठकर पूरी तरीके से डर से बाहर निकला भी नहीं था कि उसने एम को देखा एम ने वहां पर खूबसूरत ग्रीन कोट पहना हुआ था फ्रिल्ड शर्ट ऐसा होता है ना फुल, 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 फुल कपड़े ऐसे निकल रहे होते हैं, शर्ट पहने हुई थी छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप लगाई हुई थी और सब पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी ऐसा उन्होंने ये कपड़े वो कभी भी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन या प्राइज डे ये टीचर और बच्चों का रिलेशन ऐसा होता है कि हम लोग ना अपने स्कूल टीचर्स के पूरे वोड्रोप को समझ जाते हैं हमें एग्जैक्टली exactly पता होता है कि कौन से टीचर कौन से कपड़े कब पहनते हैं हमें पता चलता है कि ये तो आज नए कपड़े पहन के आए हैं सर आज तो कुछ बात है आज तो टीचर ने नए कपड़े पहने हैं हम लोग ऐसे जज कर लेते हैं और अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग का सवाल हो तो दो ही लोग हैं जो एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होकर जाते हैं एक होती है आपकी मम्मी और दूसरी आपकी टीचर क्योंकि पापा को तो रियलिटी पता होती है और आप सोच रहे होते हो आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने एग्जैक्टली <laughs> exactly ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा था क्योंकि फ्रेंड्स को लग रहा था कि आज एमएमएल ने ये कपड़े क्यों पहने हैं आज ना तो इंस्पेक्शन डे है ना प्राइस डे है Besides, और इसके addition के अंदर the whole school seemed so strange and solemn. पूरा school strange यानी कि अजीब solemn यानी कि serious लग रहा था But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. यहां तक तो वो surprise था But इससे भी ज्यादा उसे जिस चीज ने surprise किया वो थे back benches. जो हमेशा खाली हुआ करते थे यहाँ पे ये बैक बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहा करते थे इन बैक बेंचेस पे विलेज पीपल बैठे हुए थे ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि हम बच्चे बैठे हुए हों अब विलेज पीपल में ओल्ड हॉजर नाम है विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट उन्होंने थ्री कॉर्नर हैट पहनी हुई थी फॉर्मर मेयर फॉर्मर का मतलब होता है पुराने रहे हुए पोस्ट so, तो मास्टर सारे सारे जो है आज मुद्दा क्या था यही सोचने लग गया अब यार विजेस के अंदर ना आपको पता है बहुत ही प्यारी कम्युनिटी होती है सब एकदम प्यार से मिलजुल कर रहते हैं विलेज के अंदर कोई एक मास्टर होता है क्या ये मास्टर जी है विलेज का एक पेटेंट डॉक्टर होता है एक पोस्ट मास्टर मिल जाएगा मेयर साहब मिल जाएंगे आपको कोई मतलब हर एक चीज के लिए कोई एक इंसान जो है वो जगत का मास्टर uh, जगत का पोस्ट मास्टर और जगत के दादाजी भी होते हैं विलेज के अंदर इसीलिए सब लोग बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पर कैसे आ गए सारे लोग बहुत ही उदास दिख रहे थे और हॉजर तो एक ओल्ड प्राइमर लेकर आए थे यानी कि प्राइमरी की बुक होती है ना जिसमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखा होता है वो वाली किताब लेकर आए थे थम्ड एट दी एजेस का मतलब है ये जो किताब थी काफी फटी पुरानी दिख रही थी ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से इसे यूज नहीं किया गया है और जब किया गया होगा तो बहुत यूज किया गया होगा तो काफी टोन लग रही थी वो He उन्होंने अपने घुटनों पर अपने लैब पे उस किताब को खोल रखा था और उस किताब के बीच में अपना चश्मा डाल रखा था तो इस तरीके से वो किताब और वो चश्मा वहां पर उनका पढ़ा हुआ था विद्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस दखा हुआ था वाइलिंग अबाउट इट ऑल एम एम एल माउंटेड एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शाल गिव यू तो यहाँ पर ये सारी चीजों के बारे में जब यहाँ पर फ्रांस वंडर कर रहा था सोच रहा था तो इतने में एम हेमल ने क्या किया वो अपनी चेयर से उठे और सेम ग्रेव ग्रेव का मतलब होता है सीरियस सेम ग्रेव और जेंटल टोन के अंदर सेम सीरियस येट जेंटल बहुत काइंड टोन के अंदर काफी माइल्ड टोन के अंदर उन्होंने बोला जो जिस टोन के अंदर उन्होंने फैंस से बात की थी मेरे बच्चों आज माई चिल्ड्रेन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू मेरे बच्चों आज मेरा यहां पर आखिरी लेसन है उन्होंने समझाया द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलसार्ज एंड लोरेन

तो आज इस लेसन में मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत ही अटेंटिवली पढ़ो बहुत ही ध्यान यानी बहुत ही ध्यान से पढ़ो ठीक है बहुत एकदम ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट करके वॉट थर क्रीज वर्ड मी हे मा माता जी फ्रांस ने सोचा ये क्या हो गया ये वर्ड्स उसे बहुत सरप्राइज कर रहे थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने क्या सुन लिया है ये कैसे हो सकता है ओ द रैचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल ओ द रैचेस ये कहीं ना कहीं ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है प्रशियंस के लिए इस्तेमाल किया गया यूजुअली यहाँ पर कोई एक चीज जो अनफोर्टुनेट हैपनिंग होती है जो यहाँ पर की है प्रशियंस ने ऑर्डर भेज के बोला कि ये सब कुछ उन्होंने टाउन हॉल पे लगाया था आज टाउन हॉल पे भीड़ इस वजह से थी माई लास्ट फ्रेंच लेसन कि मेरा फ्रेंच लेसन है Why? क्यों आई हारू टू राइट मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आया था मैं तो अभी तक लिखना भी नहीं जानता था आई शुड नेवर लर्न एनी मोर क्या आप ये कहना चाहते हो कि आज के बाद मैं फ्रेंच कभी नहीं पढ़ूंगा क्या ये मेरा आखिरी लेसन है मुझे यही रुकना होगा नॉट लर्निंग my लेसन फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग on द sar. मुझे दुख हो रहा था मैं रिग्रेट कर रहा था मुझे पछतावा हो रहा था कि क्यों नहीं मैंने मेरे लेसन रीड किए क्यों नहीं मैंने मेरा फ्रेंच पढ़ा क्यों मैं उस टाइम पर बर्ड के बर्ड्स के एग्स को देखा करता था सीखेंगे यानी कि यहाँ पर देखना हो गया निहारना हो गया ढूंढना हो गया ठीक है वहाँ पे खेलने का एक जरिया था उनके गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार फ्रांस में रिवर है तो उस रिवर के बैंक पे वो स्लाइड करते रहते थे बोला यार मैं क्यों अपना समय इन सारी चीज़ों में बर्बाद कर रहा था और फ्रेंच नहीं पढ़ रहा था ये टोन के अंदर हमें यहाँ पे छोटे प्यारे फ्रेंड्स का रिग्रेट उसका पछतावा दिख रहा है माय बुक्स दैट दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस ऑफ वाई लगो सो हैवी टू कैरी माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ सेंस वर ऑल फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप और और मेरी किताबें मेरी किताबें जो मुझे बर्डन लगती थी बेकार लगती थी इतनी घटिया किताब कौन पढ़ता है यार ये 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 ये, ये किताबें जो मेरे को इतनी ज्यादा हैवी लगती थी कैरी करने के लिए मेरी ग्रामर मेरा हिस्ट्री ऑफ सेंट्स क्या मैं ये वापस कभी नहीं पढ़ूंगा ये किताबें मुझे एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड की जैसी लग रही थी जिसे मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे दूर जाए ऑल एंड एम हैनल ट्यू अब ये यहां पर ये सब कुछ सोचने के बाद में उसके दिमाग के अंदर आते हैं एम एम एल स्कूल के अंदर एक ऐसा टीचर होता है जिसने आपका और आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता उसके बावजूद आपके बीच में का आंकड़ा होता है और ये सब कुछ अभी यहाँ पर जो है ये सब कुछ करने के बावजूद अब उसे एम एम एल जो कि उसे बहुत बेकार लगते थे आज एम एम एल के लिए भी उसकी फीलिंग चेंज हो गई है एंड एम एम एल ट्यूब दी आईडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मुझे सोच में डाल देता है मैं भूल जाता हूँ उनके रूलर उनके स्केल को जिससे वो मेरी पटाई करते थे उनकी क्रैंकीनेस को कि कितने अजीब थे वो कितने शॉर्ट टेम्पर्ड थे वो कितने एरोगेंट थे वो मैं सब भूल गया था उन्हें बस ये लग रहा था कि एम एम एल उनसे दूर जा रहे थे बाकी अब कुछ मैटर नहीं करता था कि एम एम एल कितने टफ थे उनके साथ में उनकी पिटाई किया करते थे या कितने एरोगेंट थे बस ये मैटर करता था कि एम एम एल वहाँ से जा रहे थे और वो उन्हें बहुत मिस करने वाले थे एम एम एल वहाँ से जा क्यों रहे थे क्योंकि एम एम एल एक फ्रेंच टीचर थे अगर आप उन्हें कंट्री के अंदर रखोगे तो आप कभी भी किसी भी टीचर के अंदर से टीचिंग नहीं निकाल सकते हो अगर वो कंट्री के अंदर रहेंगे तो जब तक वो कंट्री के अंदर रहेंगे तब तक वो पढ़ाते रहेंगे एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ वाई वहाँ पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया कंट्री से ही निकाल दिया गया ताकि से वो ना कंट्री में रहें और ना ही फ्रेंच लोग सीखें

और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये विलेजर्स रूम के बैक दैट मीन जो बैक बेंचेस है वहां पर क्यों बैठे हुए थे तीन चीजें अपने आंसर के अंदर हमेशा लिखोगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा रिग्रेट तीन वर्ड लिखोगे रिग्रेट जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा वर सॉरी दूसरा आप लिखोगे ग्रेटिट्यूड जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा थैंकिंग आर मास्टर और तीसरा लिखोगे रिस्पेक्ट जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये बैक बेंचेस खाली क्यों नहीं थी विलेजर्स वहां पर क्यों बैठे हुए थे इट वाज बिकॉज़ दे वर सॉरी टू क्योंकि वो रिग्रेट शो कर रहे थे उन्हें पछतावा था दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर के वो स्कूल नहीं गए थे वो स्कूल नहीं जाते थे इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर ये उनका जरिया था ये तरीका था हमारे मास्टर एम एच एम को थैंक यू बोलने का अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का स चीज के लिए उनके फोर्टी इयर्स की फेथफुल सर्विस के लिए चालीस साल जो उन्होंने दिए थे उस चालीस साल की फेथफुल सर्विस के लिए वो थैंक यू बोलना चाहते थे और शो करना चाहते थे कहीं ना कहीं अपनी रिस्पेक्ट एंड शोइंग ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर उस कंट्री के लिए वो रिस्पेक्ट शो कर रहे थे जो कंट्री अब उनकी थी भी नहीं जो कंट्री उनकी थी भी नहीं जो अब उनसे छिन चुकी थी जिसे वो हार चुके थे अलोंग देयर आइडेंटिटी वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माय नेम कॉल्ड जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था उन्हें आवाज आती है उनका नाम पुकारा जाता है अब क्यों उनका नाम पुकारा जाता है Because it was my turn to recite. क्योंकि अब उनकी बारी थी को recite करने की. ड्रेडफुल रूल ऑफ पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक अरे मैं क्या नहीं कर देता मैं क्या नहीं कर देता कि मैं उन ड्रेडफुल डरावने रूल्स जो हैं, डरावने रूल जो हैं है पार्टिसिपल के उन्हें एक बार फर्राटे के अंदर एक बार बहुत तेज एकदम क्लियर बिना गलती के सुनाने के लिए। उस दिन मैं क्या नहीं कर देता बस मुझे एक चांस मिलता काश मैं इन रूल्स को फर्राटे से सुना पाता और अपनी तरफ से एमएमएल को रिस्पेक्ट पे कर पाता पर मैंने क्या किया पर मैंने क्या किया बट आई गॉट मिक्सड द फर्स्ट वर्ड्स एंड ऑन टू माई डेस्क माई हार्ट बीटिंग नॉट डेयरिंग टू लुक दिन फ्रांस को पढ़ के आना था उसी दिन फ्रांस पढ़ के नहीं आया जिस दिन उसे पढ़ के क्लास के अंदर आना था कि वो क्लास के अंदर पढ़ के आए और आज एमएमएल को अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे अपनी तरफ से उन्हें हाँ, उन्हें बाय बाय बोल सके फेयरवेल दे सके उसी दिन वो पढ़ के नहीं आया क्योंकि आदतें होती है हमारी चीजों को कल पर टालने की और वही तो ये कर रहा था पढ़ाई को कल पर टालता था कभी नहीं पढ़ता था केयर फ्री था आज जब उसे पढ़ के आना था उस मोमेंट पे वो पढ़ के नहीं आया वो पहले ही वर्ड के अंदर फंबल कर गया अटक गया और शर्मिंदा हो गया वो इतना पछता रहा था वहां पे उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एम एम एल से नजरे मिला सके। एंड दैट इज वाई उसने अपने हाथ अपने डेस्क पे रखे और वो नीचे देखकर बस खड़ा हो गया वो नहीं देख सकता था ऊपर वो नहीं नजरे मिला सकता था एम एम एल से वो नहीं बता सकता था ना एम एम एल को कि आज मैं पढ़कर नहीं आया मैं कल आकर आपको सुना दूंगा क्योंकि कल तो एम एम एल यहाँ पर होंगी ही नहीं अब आज के बाद शायद अब वो वो फ्रेंच पढ़े नहीं पढ़े ये मैटर ही तो नहीं करेगा ना कभी कभी हम चीजों को कल पर टाल देते हैं और वो कल आता ही नहीं आई हर्ड एम एम एल से टू मी और उसके बाद में एम एम एल ने कहा आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड यू मस्ट फील बैड इन सबसे बुरा तो तब लगता है जब कोई आपको डांटने की बजाय ये कहे कि मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए बोला मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए सी हाउ इट इज देखो ऐसा है एवरी डे वी हैव सेट टू आर सेल्फ हर दिन अपने आप से हम कहते हैं पा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अरे मेरे पास तो खूब समय है आई विल लर्न इट टुमारो मैं कल पढ़ लूंगा एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट और आज तुम्हें दिख रहा है कि ये कल हमें कहां ले आया है स ah, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एलसैस के साथ में She puts off learning till tomorrow, हम लर्निंग को कल तक टाल देते हैं हम हर चीज को कल तक टाल देते हैं एक ह्यूमन टेंडेंसी यहाँ पर दिखाई गई है प्रोक्रेस्टिनेशन की आज नहीं कल से पढ़ेंगे अभी नहीं कल वीडियो देखेंगे आज नहीं कल दोस्तों के साथ शेयर करेंगे क्यों अभी शेयर करो ना तुरंत अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि इसे वो लोग भी पढ़ सकें है ना हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और चीजों के बारे में सोचते सोचते हाथ से टाइम निकलता ही चला जाता है और वो टाइम कभी भी वापस नहीं आता और ऐसे ही आप भी करते हो मैं भी करती हूँ हर इंसान करता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन ही तो हमारे टाइम को किल करता है आज आप सोच रहे हो अभी से नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा परसों तो पढ़ूंगा देखते ही देखते आप मिड टर्म्स तक आ जाओगे प्री बोर्ड्स तक आ जाओगे प्रैक्टिकल्स तक आ जाओगे और ये समय ऐसे ही निकल जाएगा और फिर शायद जब हम एग्जाम लिखेंगे तो हमें याद आएगा कि अरे अगर मुझे दो और दिन मिलते ना तेरा भाई इसके अंदर नाइनटी फाइव स्कोर करता ये पेपर के अंदर वो तो मैं एक दिन पढ़ के फिफ्टी फाइव ले आया हम कितना प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं टाइम टेबल्स बनाते हैं स्ट्रैटीज बनाते हैं जिन्हें हम कभी फॉलो ही नहीं करते कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सिंपल फंडा है खूब जम के मेहनत करनी है और आप हमारे साथ मेहनत करो ना हम सब मिलकर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। आप हन को ज्वाइन करो ना हम आपकी मदद करेंगे इसी तरीके से हर एक लेक्चर में हर एक चैप्टर के अंदर हर एक आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे तरीके से डेप्थ के अंदर क्यूरेट करके आपके लिए कोर्सेज बनाए हुए हैं और आप यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज चूज कर सकते हो आप अपनी स्ट्रीम के लिए बैचेस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप केवल साइंस से हो तो आप साइंस का बैच सेलेक्ट कर लो आप कॉमर्स से हो तो कॉमर्स का ह्यूमैनिटीज से हो तो ह्यूमैनिटीज का आप सारी चीजें छोड़कर कह रहे हो कि नहीं मेरे को सिर्फ सिर्फ शिप्रा मैम से पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है आप सिर्फ इंग्लिश का बैच भी ले सकते हो इन सब की डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में और मेरी तरफ से आपको इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे एस डी सी जल्दी से आर्मी को ज्वाइन कर लो ताकि हम ये को किल करें और लग जाए काम पर लर्निंग टिल टुमारो हमारी गलती यही है ये कि हम चीजों को कल तक टालते हैं उन लोगों को ये मौका मिल जाएगा तुम्हें कहने का उ इज इट यू प्रचम एंड ये राइट योर ओन लैंग्वेज तुम अपने आप को अपने आप को फ्रेंच मैन कैसे कह सकते हो जब तुम्हें ना फ्रेंच बोलना आता है ना तुम्हें फ्रेंच लिखना आता है बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंस वो लोग हमें कहेंगे कि तुम लोग सब फ्रेंच मैन के नाम पर धब्बा हो पर तुम्हारी ही अकेले की गलती नहीं है फ्रेंस सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्विथ हम सबकी गलती है हम सब के ऊपर ये ब्लेम आना चाहिए टू रिप्रोच आने के टू ब्लेम किसी के ऊपर आरोप लगाना किसी को किसी चीज के लिए पॉइंट करना रिस्पॉन्सिबल मानना योर पेरेंट्स व नॉट एंसियनफू हैू लर्न अब जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स को देख लो तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी एंशियस नहीं थे परेशान नहीं होते थे डरते नहीं थे इतनी फिक्र नहीं करते थे तुम्हारी कि तुम पढ़ाई करो दे प्रेफर टू टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स देवि उन्होंने क्या किया तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय फार्म पे भेज दिया मिल पर भेज दिया ताकि तुम थोड़ा सा पैसा कमा लो उस थोड़े से पैसे के लिए तुम्हारा करियर खत्म कर दिया तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म कर दी यहाँ पे हमें पता चलता है कि M. Hamel, सिर्फ दूसरों के ऊपर ही आरोप नहीं लगाते हैं सिर्फ दूसरों को ही ब्लेम नहीं करते हैं इनफैक्ट वो काफी खुद भी चीजें रियलाइज करते हैं एंड आई और मै आई हैल्सो मेरे ऊपर भी ब्लेम आना चाहिए Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your योर कितनी बार तो मैं तुम्हें बोल देता था अपने काम दे देता था जाओ जाकर मेरे पौधों में पानी डाल दो और तुम्हारे लेसन पढ़ने के लिए नहीं बोलता था कितनी बार मैं अपने काम तुम्हें दे दिया करता था तुम्हारे लेसन्स को पढ़ने की बजाय एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अलिडे और कितनी बार मुझे जब फिशिंग के लिए जाना होता था जब मुझे वेकेशन पे जाना होता था अपना वीकेंड इंजॉय करना होता था या अपने वीकडेज इंजॉय करने होते थे तो मैं तुम्हें भगा देता था कि जाओ आज छुट्टी है आज मैं फिशिंग पे जा रहा हूं तो कितनी बार तो मैंने भी तुम्हें यहां पर तुम्हारी पढ़ाई को तुम्हारी लर्निंग को ग्रांटेड लिया है ऐसे ट्रीट किया है एंड देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर फिर एक के बाद एक एम एम एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज एम एम एल एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे saying that it was the most beautiful language in the world. वो कह रहे थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत language है The clearest, द मोस्ट लॉजिकल बच्चों इन लाइन से हमें क्या पता चलता है कि एम एम को अपनी लैंग्वेज से प्यार था ये कहीं पर भी फैक्टुअली करेक्ट नहीं है किसी भी फैक्ट के अंदर आपको यह नहीं दिखने को मिलेगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत क्लियर लॉजिकल लैंग्वेज फ्रेंच है पर एम ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें फ्रेंच से प्यार है आज मैं अगर हिंदी बोलती हूँ मारवाड़ी बोलती हूं तो मेरे लिए सबसे दुनिया की सबसे प्यारी लैंग्वेज हिंदी मारवाड़ी है अगर आप भोजपुरी बोलते हो बंगाली बोलते हो तेलुगु बोलते हो उड़िया बोलते हो तो आपके लिए आपकी लैंग्वेज सबसे अच्छी है हम सब अपनी अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं और यही प्यार यहां पर दिखाया हुआ है ये है प्यार और जो बर्लिन ने किया है जर्मन को इतना ज्यादा महान लैंग्वेज बता के दूसरों के ऊपर थोप करके उसे कहते हैं शॉवनिज्म दैट इज डोमिनेंस एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट उन्होंने बोला इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि इसे हमेशा गार्ड यानी कि प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अमंगा से नेवर फोगेट इट और कभी नहीं भूलना चाहिए क्यों नहीं भूलनी चाहिए अपनी लैंग्वेज चाहे कहीं पर भी तुम चली जाओ अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं भूलनी चाहिए बिकॉज वेन पीपल आर एंड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देर प्रसेंस सो बेसिकली आपसे आपका कल्चर आपकी आइडेंटिटी ये पूरी दुनिया छीनने में लगी हुई है पर आपको अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोनी है आपकी लैंग्वेज आपके कल्चर आपकी आइडेंटिटी की निशानी है तो आप कहीं पर भी चले जाओ वो आपसे दूर नहीं होनी चाहिए और ऐसा ही कुछ यहाँ पर है जब लोगों को बांध दिया जाता है जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है तो ऐसे में उनकी लैंग्वेज एक चाबी की तरह काम करती है क्योंकि उनके दिलों के अंदर अगर उनकी आइडेंटिटी जिंदा है अगर उनका कल्चर जिंदा है तो वो आज नहीं तो कल आजाद हो ही जाए अपने अंदर फ्रेंच को मरने मत देना ऐसा एम हेमल कहना चाहते थे चाहे बाहर से कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम अंदर से फ्रेंच मैन रहना अपने अंदर की फ्रेंच को कभी भी मरने मत देना क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक कोई तुमसे तुम्हारा कल्चर या आइडेंटिटी नहीं छीन सकता है

उसके बाद क्या उसके बाद उन्होंने ग्रामर खोला और हमें हमारा लेसन पढ़ाना शुरू किया अरे मैं तो चौंक गया था अमेज हो गया था कि कितने अच्छे से मुझे सारी चीजें समझ आ रही थी सेम्ड का मतलब होता है लगना ये सारी चीजें इतनी आसान लग रही थी इतनी आसान लग रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद मैंने इतना केयरफुली उन्हें शायद कभी सुना ही नहीं था पहले या फिर शायद उन्होंने इतना केयरफुली या इतने पेशेंस के साथ कभी समझाया नहीं था जब आपके पास कोई एक चीज अबंडेंस में होती है बहुत होती है तो उसकी कभी वैल्यू नहीं होती और जैसे ही वो चीज आपके हाथों से चली जाती है तो उसके बाद में आपको उसकी वैल्यू समझ आती है ऐसा ही कुछ यहां पर था ये सब कुछ अभी उसके पास में अबंडेंस में था जब फ्रेंच लैंग्वेज वो आराम से पढ़ सकते थे एमएमएल पढ़ा सकते थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया बट जब बट जब यहाँ पे यू नो फाइनली इनके हाथ से इनकी लैंग्वेज दूर चले जा रही थी तब जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ कि फ्रेंच कितनी इंपॉर्टेंट है वो इतना ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे थे कि उन्हें सब समझ आ रहा था और इतने ही पेशेंस के साथ एम एम समझा रहे थे इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे ऐसा लग रहा था जैसे कि बेचारे एम जो हैं वो हमें सब कुछ दे देना चाहते थे सब कुछ समझा देना चाहते थे जाने से पहले एंड टू पुट इट ऑल into our heads, चाहते थे कि हमारे दिमाग के अंदर हमारी खोपड़ियों के अंदर सारी चीजें एक स्ट्रोक के अंदर एट वन स्ट्रोक एक स्ट्रोक के अंदर एक बारी के अंदर सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर आ जाए ठीक है सो एकदम इन वन गो एट द सेम टाइम सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर आ जाए फ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग अब ग्रामर के बाद में हमारा लेसन लगा कौन सा राइटिंग राइटिंग का लेसन था और एम एम एल बच्चों के लिए नई कॉपीज लेकर आए थे ये नई कॉपीज के अंदर रिटिन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड नई कॉपीज के अंदर लिखा हुआ था फ्रांस फ्रेंस एल्स अब देखो बच्चों राइटिंग की क्लास आपको याद होगी आपके बचपन के अंदर भी होती थी जहाँ पे राइटिंग की बुक आती थी और ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता था या कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते थे और एग्जैक्टली exactly आपको वैसे ही वैसे उन्हें नीचे कॉपी करना होता था एंड दैट्स हाउ आप राइटिंग सीखते थे आपकी राइटिंग खूबसूरत बनती थी है ना ऐसा ही कुछ यहाँ पर था एकदम ब्यूटिफुल कर्सिव हैंड राइटिंग के अंदर ये लिखा हुआ था और बच्चों को उन्हें इमिटेट करना था यानी कि कॉपी करना था they look like little flags floating everywhere in the school room ये जो कॉपीज वो लेकर आए थे तो उन्होंने क्या किया था रॉड पे इस तरीके से कॉपीज को टंगाया हुआ था ऐसे हार्ट बनाते है ना एकदम ऐसे तो ऐसे, तो ऐसे उन्होंने टंगाया हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे क्लास के अंदर फ्लैग्स हो पूरे क्लासेस की पूरे क्लास के अंदर बस बहुत सारे फ्लैग्स आ गए हो ऐसा इसके लिए था क्योंकि पहला यहां पर ये, जो थी, ये रंग बिरंगी थी और रोड पे इस तरीके से टंगी हुई थी जैसे कि फ्लैग हो और दूसरा क्योंकि यहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे थे और यहां पर ये कॉपीज फ्रांस अल्साइज फ्रांस के थ्रू कहीं ना कहीं वो एक नेशन स्टेट नेशनैलिटी नेशनलिज्म की भावना लेकर आ रही थी एंड दैट इज वाई उन्हें फ्लैग के साथ में कंपेयर किया हार फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क ठंडे शहर हैं ठंडे देश हैं वहां पर रॉड लगी हुई होती हैं ताकि बच्चे अपने कोट्स को जो है वो टंगा सकें तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया उन्होंने वहां पर अपने कॉपीज को टंगा दिया था जो कि फ्लैग के जैसे लग रहे थे यू ऑर टू हे सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क आपको देखना चाहिए था कि किस तरीके से हर एक इंसान काम पर लग गया था हाउ क्वाइट इट वॉज कितनी शांति थी ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर अगर कोई चीज की आवाज आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैच करने की आवाज आ रही थी पेन को पेपर के ऊपर ऐसा नहीं था तो एग्जाम के अंदर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है पेपर के ऊपर सब लोग आराम से सिर्फ आवाज हो रही होती है सिर्फ पेन के चलने की के अंदर कितना मजा आता है क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने में क्लास का टाइम किल करने में मतलब अगर क्लास के अंदर चिपकली दिख जाए ना फिर तो क्या कहने आज तो पूरी क्लास खराब होने वाली है अरे एक मच्छर एक मक्खी भी क्लास में आ जाता है ना तो हमें डिस्ट्रैक्ट करने का एकदम बढ़िया चांस मिल जाता है ऐसा ही ये लोग भी हमेशा करते थे पर आज आज क्लास में बीटल्स के भी भी जरूरत को को ही नहीं थी आज सब अपनी मन मर्जी से पढ़ रहे थे क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे बट नो बड़ी पेड़ एनी अटेंशन टू दैन किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया छोटूज ने भी नहीं छुटकूज़ ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया था इसकी दो इंटरप्रिटेशन हम निकाल सकते हैं पहला छोटे बच्चे जो क्लास के अंदर प्रेजेंट थे दूसरा जो छत के ऊपर कबूतर बैठे हुए थे ये दोनों इंटरप्रिटेशन जो है हम इसके ले सकते हैं आपको जो भी स्कूल के अंदर कराया आप उसी को कंटिन्यू कीजिएगा वो भी फ्रेंच है और अगर हम कबूतरों का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे उनका इंटरप्रिटेशन लेंगे तो हम मान लेंगे कि किस तरीके से वो लोग अपने हाथ से अपने फिंगर से अपने क्लॉथ से इस तरीके से स्क्रैच कर रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच लिख रहे हो रूट ठीक है तो रूफ पे वो किस तरीके से अपने क्लॉथ से स्क्रैच कर रहे थे तो दोनों में से कोई भी इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो जैसे कि वो भी फ्रेंच हो ऑन द द रूफ वेरी लो छत पे पिजन जो हैं वो काफी ज्यादा लो कू कर रहे थे काफी उदास थे ऐसा लग रहा था जैसे कि आज तो नेचर भी उदास हो गया था एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मैं अपने आप में सोच रहा था

जब भी अपने राइटिंग से ऊपर उठकर ऊपर अपनी नजरें करके फ्रेंड्स ने देखा आई सॉ एम एम एल सिटिंग मोशन लेस उन्होंने अपने टीचर को मोशन लेस यानी कि बिना किसी हरकत के पाया इन इज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनादर गेजिंग का मतलब होता है प्यार से किसी चीज को एक तक देखते रहना ठीक है तो वो गेज कर रहे थे पहले एक चीज पर और फिर दूसरी चीज पर जैसे मानो उन चालीस सालों को अपने दिल में अपनी आंखों में कैप्चर करके ले जाना चाहते हैं। चाहतेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग looked इन दैट लिटिल स्कूल रूम जैसे मानो वो सारी चीजें अपने उस लिटिल रूम में जैसी भी दिखती थी आंखों में फिक्स करके ले जाना चाहते और क्यों ना चालीस साल उन्होंने वहां पर बिताए थे फैंसी कितनी बड़ी बात है फॉर फोर्टी ईयर्स ही एट बिन देयर इन द सेम प्लेस चालीस साल से वो एक ही जगह पे तो थे विद इज गार्डन आउटसाइड द विंडो जहां पर उनका गार्डन विंडो के जस्ट बाहर था उनकी क्लास उनके सामने बैठा करती थी ऐसे ही जैसे आज बैठी थी चालीस साल उन्होंने यहां पर बिता दी अगर फर्क था तो सिर्फ इतना ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोंट स्मूथ केवल ये डेस्क और बेंचेस जो है वो वोंट स्मूथ यानी कि घिस गई थी पुरानी हो गई थी ऐसा नहीं होता आप आते हो अभी क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर आए हो तो क्लास 12th तो आपको एक नई क्लास दी जाएगी जहां पे आप जाओगे देखोगे बेंचेस के ऊपर तो कलाकारियां हो रखी हैं एक से बढ़कर एक कलाकार ने अपनी छाप वहां पर छोड़ी हुई है कभी कंपस से तो कभी वाइटनर से कभी बॉल पेन से कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं हाँ नहीं तो आपको फ्लेम्स निकले हुए दिखेंगे न जाने क्या क्या चल रहा है सो so, यहां पर बस ऐसा ही कुछ था ये जो ये जो आ, ये बेंचेस थे जरूर पुरानी हो गई थी एंड द वॉलनट ट्री और जो अखरोट का पेड़ था वो जरूर बड़ा हो गया था एंड लगाया था टउट द विंडोज टू द रू और वो होप प्वाइंट जो उन्होंने खुद लगाई थी खुद बोई थी वो किस तरीके से ट्वाइंट करके एकदम विंडो से छत पर जा रही थी होप वाइन इज अं काइंड ऑफ अ क्रीपर जैसे मनी प्लांट होता है ना जिसका स्टेम नहीं होता है आप किसी चीज से उसे बांध देते हो तो वो वहीं पर ग्रो करती है तो वैसे ही इन्होंने क्या किया था रूफ तक बांध दिया था तो इतना बड़ा हो गया था कि वो रूफ तक पहुंच रहा था हाउ इट मस्ट उनका दिल ही टूट गया होगा ये सब कुछ छोड़ के जाने का आइडिया भी दिमाग में लाते पुअर मैन टू ह्यूर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ पैकिंग देर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे कितनी हिम्मत थी एम एम एल के अंदर कितनी हिम्मत थी कि वो सुन रहे थे कि ऊपर उनकी सिस्टर जो है वो पैक कर रही है उनके ट्रंक्स को ट्रंक्स यानी कि पेटियां अपनी पेटियों को पैक कर रही है उसमें सारा सामान डाल रही है क्योंकि कल उन्हें देश छोड़कर जाना है और वो नीचे बैठे हैं एक एक लेसन सुने जा रहे हैं एक ट्रू टीचर थे एम एम एल दिल ही टूट गया होगा ना उनका ये सुन के बट ही ऐड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट उनमें बहुत हिम्मत थी इतनी हिम्मत थी कि वो आखिरी तक लेसन को सुने जा रहे थे आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री राइटिंग के बाद में हमारा एक लेसन लगा हिस्ट्री में एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बेबी बोबू एंड इसके बाद में क्या हिस्ट्री के बाद में बेबीज ने अपने अल्फाबेट्स चैंट करना शुरू कर दिया चैंट का मतलब होता है बोलना एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी का होता है हिंदी में होता है उच्चारण किसी चीज को बोलना रिसाइट करना डाउन देअ एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर primer in इन बोथ spelled स्पेल द लेटर्स विद अब जैसे ही बच्चों ने लेटर्स रीड करना शुरू कर दिया तो पीछे बेंचेस पर बैठे हुए हॉजर ने भी अपने चश्मे पहने अपनी किताब खोली और उनके साथ में उन्होंने भी लेटर्स को रिसाइट करना शुरू कर दिया यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइम आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे His वॉइस trembled विद इमोशन उनकी आवाज कांप रही थी ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना उनकी आवाज कांप रही थी इमोशन से कभी कभी हमारा गला भर जाता है तो हम लोग की आवाज भी कांपने लगती है इट वॉज सो फनी टू हर उन्हें सुनना इतना फनी लग रहा था इतना मजाकिया इतना हंसने वाला लग रहा था दैट वी ऑल वॉन्टेड टू क्लाफ एंड क्राई कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन कितना अच्छे से मुझे याद है मेरा आखरी इसके बाद क्या ऑल एटवान्स द चर्च क्लॉक स्ट्रॉक ट्वेल्व फिर क्या एक ही बार में चर्च की जो घड़ी थी वो बारह पर आकर अटक गई आकर टक अटकी देन डी एंजलस और उसके बाद में उनकी आफ्टरनून प्रेयर का समय हो गया हमारे यहाँ पर हम स्कूल के अंदर मॉर्निंग प्रेयर करते हैं यहाँ पर इनके कल्चर के हिसाब से आ, ये आप आफ्टरनून में 12 बजे के आसपास प्रेयर करते हैं एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल्स साउंडेड अंडर द विंडोज अब ये जो प्रशियंस पूरे के पूरे मोहल्ले में चक्कर काट के आए थे वो अब विंडो के नीचे खिड़की के नीचे खड़े हो गए थे और उन्होंने ट्रम्पेट ब्लो करना शुरू कर दिया था ये ये बताता था कि स्कूल ओवर हो गया है आज आखिरी फ्रेंच लेसन था निकलो यहां से क्योंकि कल से यहां पर जर्मन पढ़ाई जाएगी अब जैसे ही यहां पर ये चीज उन्हें पता चली एम एम एल स्टूड अपरी पेल एम एम एल खड़े हो गए वेरी पेल उनकी शकल का रंग ही फीका पड़ चुका था इन्हे चेयर अपनी जगह पर वो खड़े हुए आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉन मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा था इसका मतलब ये है कि फ्रांस के नजरों के अंदर एम एम आज और बड़े हो गए थे आज फ्रेंड फ्रांस के नजरों के अंदर एम एम का कद ऊंचा हो गया था उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी फिर क्या माई फ्रेंड्स ही सेड आई उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स और फिर वो बस आय पे अटक गए बट समथिंग चौक डीम चोक का मतलब होता है अटक जाना ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो अटक गया था शायद वो emotional on, वो इमोशनल हो गए थे ही कुड नॉट गो ऑन और नहीं बोल पाए देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड फिर वो ब्लैक बोर्ड पे टर्न किए टुक अ पीस ऑफ चौक एक चौक का टुकड़ा लिए एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट यानी कि अपने पूरी ताकत को इकट्ठा करके ही as large as he could उसके बाद में वो जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा France यानी कि तुम जुग जुग जियो फ्रांस लॉन्ग लिव फ्रांस रैन ई स्टॉप एंड लीड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल लिखकर वो रुक गए और अपना सर उन्होंने वॉल पर रख दिया सहारा ले लिया बॉल का जो ये बताता है कि वो कितने हताश हो गए थे कितने टूट गए थे ये सब कुछ छोड़ के जाने वाले थे लीड का मतलब होता है जब आप सहारा लेते हो किसी चीज का विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर अब वो कुछ बोल तो नहीं पाए थे एंड दैट इज वाई उन्होंने एक जेस्टर जेस्टर यानी कि सिग्नल उन्होंने एक सिग्नल किया विथ हिज हैंड्स अपने हाथ से स्कूल इज डिसमस्ड यू मे गो स्कूल खत्म हो गया है तुम जा सकते हो ऐसा था हमारे फैंस का लास्ट लेसन किस तरीके से कभी कभी हम चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं और उन चीजों का अंत ऐसा होता है कभी कभी चीजों की वैल्यू नहीं होती है जब वो चीज़ें हमारे पास होती हैं पर वो जब हमसे दूर चली जाती है तो उनकी इंपॉर्टेंस समझ आती है किस तरीके से ऐसा हम अपनी आइडेंटिटी और कल्चर के साथ में छुटकियों में कर लेते हैं कितनी जल्दी हम किसी और का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने कल्चर को खराब मानते हैं अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ऐसा ही ये पूरा चैप्टर बताना चाहता है इसी के अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है आई होप आपको ये चैप्टर का NCERT टी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा और इसके साथ में अगर आप मेरे साथ में अनअकेडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं अन अकेडमी प्लस पे और अगर आप चाहें तो आप एक्सक्लूसिव अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग बैचेस भी ले सकते हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इसके साथ साथ में आपको स्पेशल क्लासेस के लिए भी मैं अभी इनवाइट कर रही हूँ जहाँ पर मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री पढ़ाती हूँ और वहाँ पर आप पोल्स कर सकते हो एम सिक्यूज क्विज इन सब का हिस्सा बन सकते हो वहाँ का इनविटेशन कोड और मेरा डिस्काउंट कोड सेम ही है एस डी सी ये कोड लगाने से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा मैक्सिमम और इसके साथ में आप फ्री क्लासेस का हिस्सा भी बन पाओगे तो जल्दी से अन अकेडमी का एप डाउनलोड करो एंड आई विल सी यू ऑन क्लास चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय टेक केयर आई लव यू गाइस